भकलोलिया से बिछड़ जाने के बाद पद्दू ने भक्चोना चा को टपकाने का फैसला कर लिया। भक्चोना, तूने मेरी भक्कू को मुझसे जुदा कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन है? अरे पद्दू है। रे सूरजबा जल्दी आ, कोती में लौड़े। साला पदुआ भक्चोना चा को टपकाने का प्लान बना रहा है। अरे बाप रे, भक्चोना चा को ये बात बताना पड़ेगा। हाँ दोस्त सही बोले, चल। ओ भक्चोना चा, कौन है रे? भक्चोना चा उठिए जल्दी। साला सा नींद खराब कर दिया, कथी हुआ रे? पदुआ आपको टपकाने का प्लान बना रहा है। भक झूठ बोलता है। नहीं सच बोल रहे हैं, हम अभी अपना कान से देख के आए हैं। अपना साइकिल उठाइए, रफू चक्कर हो जाइए। भक बुर्बक, हम नहीं डरते हैं पदुआ फदुआ से। आने दो साले को, हम चले सोने। कुत्ते की मौत मरेगा साला। अगर पद्दू अकेले भक्चोनर को टपकाने जाता तो भक्चोनर उसी को टपका देता, इसलिए पद्दू लेमनचूस बाबा को 1000 रुपए दक्षिणा देकर अपने टीम में शामिल कर लेता है और दोनों गुरु चेला भक्चोनर को टपकाने चल देते हैं। ओ भक्चोनर चा, साइकिल लेके निकल जाइए। अरे हमको डर उड़ नहीं लगता। अरे बाप रे बाप, ए बता रे साला, आज तुमको टपका देंगे बालक। अरे लेमनचूस बाबा, आप इधर क्या कर रहे हैं? 1000 रुपए दक्षिणा लिए हैं बालक। मार रे लेमनचूस बाबा, मार। अरे बालक पेट पर मत मारो, बवासीर है। मारे पेट पर मार। ए बालक, ए बालक, साला सा मुंह फुला फुला के मारा है। बोले मंजूस बाबा, टेंशन नहीं लीजिए, 2 सुइया ले लीजिए, ठीक हो जाइएगा। ससुरी के तोरा चक्कर में हम पिटाए हैं, सुइया दवाई तू है करवाएगा। अरे बाप रे। बाबू, ए बाबू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो।